व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीवो की एक और अपकमिंग ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर गाइज लीक्स और कन्फर्म्ड फीचर्स निकल के आए हैं वीवो V21 5G के बारे में। जी हाँ, वीवो V21 वीवो V20 सीरीज़ का सक्सेसर है। वैसे आपको लगता नहीं कि यार बहुत जल्दी मतलब वीवो ने V20 सीरीज़ का सक्सेसर निकाल दिया? अब जिन लोगों ने बेचारों ने V20 सीरीज़ ले ली उनका क्या? कोई बात नहीं गाइस, वैसे आगे देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर गिव अवे चालू है एक स्मार्ट वॉच का, जो कि फर्स्ट गिव अवे है हमारे चैनल का। तो आपने अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देखिए, रिव्यू देखिए और उसके बाद में आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके भी जो है ना चांसेस ज़्यादा हो हुए विन होने के। तो यहाँ पर गए सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा वीवो V21 5G के डिस्प्ले फीचर्स को लेके। तो ऐसी लीक है कि इसमें आपको 6.44 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगा ये, और इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। जी हाँ, ये अच्छी बात हो गई क्योंकि अगर आप वीवो V20 सीरीज़ को देखोगे तो उसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। अब क्या चला जाता है इनका, क्योंकि वो भी मिड रेंज डिवाइसेस थे यार, उसमें से भी अगर किसी में हाई रिफ्रेश रेट दे देते तो क्या चला जाता है इनका। वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लिया है वीवो V20। बात करूंगा दोस्तों कैमरा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर कैमरे के हिसाब से वीवो V21 में भी आपको क्वाड सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें से जो आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। सेकेंडरी लेंस जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस होगा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। जो थर्ड लेंस आपको मिलेगा वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, और हो सकता है शायद इस फोन में भी आपको इंटीग्रेटेड मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अगर आप V20 को लोगे तो उसमें भी जो है ना आपको इंटीग्रेटेड मैक्रो लेंस मिलता है, और वो जो है ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जो ना अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं, एकदम सुपर मैक्रो जब आप यूज़ करते हो V20 का भी। तो वैसे गाइस V21 5G में भी आपको फ्रंट में 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने एक चेंज ये किया है कि इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है फ्रंट कैमरे में भी। जी हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे V20 सीरीज में तो उसका फ्रंट कैमरा ऑब्वियसली अच्छा है, 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा आपको मिलता है, लेकिन फ्रंट में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया है, जो कि आपको कंपनी ने वीवो V21 5G में दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और एक यू नो अच्छा अपग्रेड है बोल सकते हैं। जी अच्छा अपग्रेड कैमरे के हिसाब से आप बोल सकते हो इसको। मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। जी हाँ, ये ज़बरदस्त टॉपिक है इस डिवाइस के लिए बात करने के लिए भी, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 5G प्रोसेसर है, 7nm की चिपसेट रहेगी, और इसमें जो आपको मेन CPU मिलेगा वो कॉर्टेक्स A76 पे मिलेगा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है कॉर्टेक्स A76 का। वहीं पर जो ये प्रोसेसर है वो क्लॉक स्पीड 2.4 GHz पे काम करेगा। जी हाँ, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है। तो प्रोसेसर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त फ़ोन रह सकता है ये। वैसे अगर आप कंपेयर करोगे वीवो V20 प्रो को तो उसमें आपको 765G का स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर मिला था। अगर आप डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन को कंपेयर करोगे, मतलब 800U और 765G को, तो यहाँ पर गाइस कुछ इतना ज़्यादा लैग नहीं करता है डायमेंसिटी 800U, बहुत कम जो है ना पॉइंट्स का फ़र्क है। तो आप एक हिसाब से बोल सकते हो कि दोनों प्रोसेसर में ज़बरदस्त टक्कर है। और यहाँ पर से गाइस एक बात और पता लगती है कि ये मे बी बेस वेरिएंट होगा वीवो V21 जो 5G रहेगा, मे बी इसके बाद में जो प्रो सीरीज आएगी, जो प्रो डिवाइस आएगा, उसमें आपको और बेटर प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। साथ में गाइस अगर मैं आपसे बात करूंगा रैम वेरिएंट को लेके, तो उसमें आपको 8GB रैम मिलेगा 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और साथ में गाइस इसमें आपको ये सिस्टम भी मिलेगा कि आप 3GB रैम जो है वो सीधा सॉफ्टवेयर से ले सकते हो, मतलब आपका जो स्टोरेज है उससे आप 3GB रैम ले सकते हो और उसको और जो है ना आप रैम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 8GB प्लस 3GB इज इक्वल टू 12GB 11GB, मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है एक्चुअली। तो 11GB रैम इन टोटल आप देख सकते हो आपको फ़ोन में मिलेगा। लेकिन गाइस 8GB रैम भी बहुत ज़बरदस्त है। और जी हाँ, ये जो नई सीरीज़ निकाली है कंपनी ने कि आप जो डिजिटल डायनामिक रैम ले सकते हो अपने स्टोरेज से, ये वीवो X60 सीरीज़ से निकाली है, जिस तरीके से वीवो X60 में आप 3GB रैम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अपने स्टोरेज से, तो ये भी गाइस एक अच्छी बात है। 8GB रैम भी वैसे बहुत ज़बरदस्त रैम रहता है फिलहाल के लिए, अगर आप हाई गेमिंग भी करोगे तो उसके लिए भी। फाइनली गाइस मैं आपसे बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में, और ये जो है ना दोस्तों मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात लगी है। जी हाँ, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली, क्योंकि इसमें ऐसा पता लगा है कि आपको
4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जिसको आप 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग पे चार्ज कर सकते हो। अब ये एक्चुअली में जो फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी आपको मिल रही है वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। मतलब 4000 की जगह अगर 4500 mAh की बैटरी मिल जाती थी, 800 mAh की बैटरी मिल जाती थी तो और अच्छी बात हो जाती थी। और ऑब्वियसली सक्सेसर सीरीज निकाल रहे हो तो उसमें और अच्छे जो है ना वो स्पेसिफिकेशंस कंपनी को देने चाहिए। तो यहाँ पर गाइज मुझे थोड़ी एक ड्रॉबैक वाली बात लगी है, क्योंकि जिस तरीके की स्पेसिफिकेशंस इसमें मिल रहे हैं 4000 mAh की बैटरी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही ख़राब है, मैं ये बोलूंगा ठीक है ऑन एन एवरेज बेसिस अच्छी है, लेकिन 4500 या 800 वाली बैटरी होती तो वो और अच्छी बात हो जाती थी। साथ ही में गाइस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑब्वियसली इसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर मैं अब प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो यहाँ पर लॉन्च के हिसाब से ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ है कि 29th ऑफ अप्रैल को इसका लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद में ये सेल के लिए अवेलेबल हो सकता है मई 6 से। अब ये जो सेल वाली न्यूज़ है गाइज ये थोड़ी डामाडोल है, मतलब सेल मई 6 से भी हो सकता है या न्यूज़ चेंज भी हो सकती है, तो इसको ही दोस्तों पकड़ने मत बैठ जा रहा। लेकिन 29th ऑफ अप्रैल को फ़ोन का लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में फ़ोन जो है ना प्रॉपरली पूरा रिवील हो जाएगा, तो वो बात जो है ना आप कंसिडर कर सकते हो। साथ में अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूँगा तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि वीवो V20N5 की जो शुरुआत होगी वो 29,999 से होगी, मतलब 30,000 से गाइस ये फ़ोन स्टार्ट होगा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे V20 सीरीज से तो 25,000 से फ़ोन स्टार्ट हुआ था, और जो प्रो मॉडल था वो 30,000 का था, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G था। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली 30,000 से स्टार्टिंग होगी इस फ़ोन की। तो यहाँ पर गाइस आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन भी आपको बताया है, तो फिर भी मेरे हिसाब से जो प्राइस लेवल है वो ठीक है। हो सकता है ये प्राइस और ज़्यादा आगे बढ़े अगर और ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन इस सीरीज़ में कंपनी निकालती है तो। तो गाइस यहीं तक था मेरा रिव्यू, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। जो स्पेसिफिकेशन सुनने के बाद में कोई भी सेक्शन की आप बात कर लो, डिस्प्ले, कैमरा, हार्डवेयर, जो भी चीज़ें उसके बारे में आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट्स कॉलम में बताना। और अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब अगर आपने V20 सीरीज़ में से कुछ ले लिया है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार क्यों इतनी जल्दी निकाल दिया, तो उसके बारे में भी ज़रूर से बताना कमेंट्स कॉलम में। चलो दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे फिर अपने अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखना, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरह की अपडेट्स हमारे चैनल की वजह से मिस नहीं करोगे। और जी हाँ, ज़रूर से जाके चेक करना हमारे चैनल का जो फर्स्ट गिव अवे है स्मार्ट वॉच का। जय हिंद।